नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। जैसा कि आप सबको मालूम है, 2024 में इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं एडमिशन के लिए। इसी के लिए मिशन यूनिवर्सिटी की टीम की तरफ से आपके लिए लेकर के आए हैं सिलेक्शन सीरीज 2.2। चलिए पॉलिटी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 2005, बी 1998, सी 1999, डी 1995। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएं। इसका सही उत्तर होगा सी 1999। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो बनाई गई थी कब सक्रिय हुई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1942, बी 1995, सी 1950 या फिर डी अन्य, इनमें से कोई नहीं का उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर होगा ए 1942। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए सितंबर 1950, बी अगस्त 1953, सी अगस्त 1952, डी जनवरी 1899। इसका उत्तर आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी अगस्त 1952, अगस्त में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। इसका सही उत्तर है ए पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, फिर डी जवाहरलाल नेहरू। उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा सी महात्मा गांधी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, या फिर डी लॉर्ड माउंटबेटन। आपका सही उत्तर होगा डी लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो यहाँ का जनरल था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दीवान चमनलाल, बी लाला लाजपत राय, सी स्वामी सहजानंद, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर होगा बी लाला लाजपत राय। अगला उत्तर प्रश्न है 23 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए डब्ल्यू सी बनर्जी, बी मोतीलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी, इनमें से कोई नहीं आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ए डब्ल्यू सी बनर्जी जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर होगा आपका ए दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? आपके ऑप्शन है ए कुपलैंड, बी लुइस फिशर, सी गोखले या फिर डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर होगा ई कुपलैंड, कुपलैंड ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ऑप्शन है आपके ए 1920, बी 1965, सी 1986 या फिर डी 1933। सही उत्तर होगा आपका डी 1933। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट जो था इसमें पुलिस बिना किसी कारण के आपको सिर्फ शक के आधार पर उठा के जेल में डाल सकती थी, ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया था। पूछ रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? आपको ऑप्शन है ए 1951, बी 1919, सी 1819 या फिर डी 1958। आपका सही उत्तर है आपका बी 1919 में रॉयल एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, बी लिबरल पार्टी, सी राजकीय अधिकारी या फिर डी अन्य, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए लेबर पार्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? आपके ऑप्शन है ए बर्मा, बी जापान, सी थाईलैंड, एडिंगा डी सिंगापुर। आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आप लोग बताइए डी सिंगापुर, सिंगापुर से आरंभ किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए डब्ल्यू सी बनर्जी, बी ए ओ हूम, सी लाला लाजपत राय या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है बी ए ओ ह्यूम, ये जो है कांग्रेस के संस्थापक थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बने रहें अधिक जानकारी के लिए मिशन यूनिवर्सिटी चैनल पर। धन्यवाद।